छू। देखो गाइस, हम लोग सर्वाइवल में उड़ रहे हैं। आप हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप चाहते हो कि इलाइट्रा से एंड्रॉइड में आप उड़ना चाहते हो, इलाइट्रा से आप उड़ना चाहते हो जो आप फ़ोन में खेलते हो, तो आप कैसे उड़ सकते हो? तो सिंपल सी आपको गाइस मैं ट्रिक बताऊँगा, तो आप पूरा वीडियो देखें और बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मैं इसमें उड़ा कैसे हैं। तो चलो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं इसमें उड़ कैसे सकता हूँ। तो पहले तो ये फायरवर्क्स ले लेते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक थोड़े ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको हाइट में जाना है। मैं चाहे तो आपको सर्वाइवल में भी करके दिखा सकता हूँ गाइज, पर पहले थोड़ा आपको क्रिएटिव में दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमें उड़ना है। तो चलो थोड़ी बहुत हाइट पर आ चुके हम लोग, पर इससे नहीं, आपको पहले पहले में कोशिश करनी होगी। तो आपको इतने ऐसे बहुत बड़ी हाइट पे करना पड़ेगा। तो गाइज, तो पहले ये बना लेते हैं यार, ये बहुत प्रॉब्लम होता है बनाने का। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, सिर्फ 9 ब्लॉक का ऐसे बना लिया। तो चलो गाइज, तो अगर आपको ऐसी बड़ी जगह पे जाके आपको एक बार इलाइट्रा से उड़ने की कोशिश करनी है, और ये फाइनल 100% वर्क करेगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज। तो चलो हम लोग उड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको सिर्फ आप यहाँ से छलांग मार देनी है, और ये देखो गाइज मैं उड़ चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके रखना है। ये अगर फायरवर्क्स आपको उड़ाना नहीं आता है ना, तो आपको एक बात बता दूँ, सिर्फ ये राइट साइड में ना बटन दबा के रखना है, यानी यहाँ पे हाथ को पकड़े ही रखना है, यहाँ पे हाथ दबाए रखना है। अरे यार, इसमें एक चीज़ बहुत गलत है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको नीचे उतरना आ जाएगा। तो चलो हम लोग अभी पहले वापस से चले जाते हैं। तो क्या करना है, ये जो आगे जाने का बटन होता है, वहाँ से आप यहाँ से कूद जाओ, और ये जो जंप वाला आता है, जैसे आप कूद जाओगे इस जंप को एक बार दबा देना, और ये थोड़ा जंप के ऊपर जो थोड़ा एक दो ब्लॉक के यानी बराबर के यहाँ पे क्लिक करके रखोगे, तो आप उड़ना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे हम लोग किसी भी पिकैक्स से तोड़ते हैं या कोई कोबलस्टोन तोड़ते हैं, तो साइड में हाथ लगाते हैं तो जिसकी वजह से वो टूट जाता है, तो वैसे ही आपको वहाँ पे क्लिक करके रखना है रॉकेट पकड़ के। तो चलो हम वापस से आपको दिखाते हैं। ये आगे गए और यहाँ पे जंप का बटन दबाए और ये उड़ गए। देखो गाइज, मैं आपको उसमें करके दिखाता हूँ, रुको, मेरे को एक बार यहाँ पे उतरना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं रॉकेट से रियली उड़ पा रहा हूँ या नहीं। तो चलो ये रखते हैं। तो थोड़ा आगे गया, फिर ये देखो गाइज, मैं रियली उड़ पा रहा हूँ। आपको सही में मजाक लग रहा होगा, पर ये रियल में उड़ रहा हूँ मैं। कितनी मज़ा आ रही है गाइज, आप लोग सोच ही सकते हो। इलाइट्रा से उड़ना मतलब क्या ही बताएं आप तो। पर ये लैंडिंग में थोड़ा आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। लैंडिंग में जैसे जैसे आप सीख जाओगे, वैसे वैसे आप लैंडिंग में करना आराम से सीख जाओगे। तो चलो हम अभी सर्वाइवल में आते हैं। पहले थोड़ा सामान हटा देते हैं और 3-4 स्टैग और ले लेते हैं फायरवर्क के सारे 3-4 स्टैग और ले लेते हैं, और सर्वाइवल में आ जाते हैं। चलो ये सर्वाइवल आ चुके हैं, तो आप लोग दे सकते हो नीचे, मेरा सर्वाइवल चालू हो चुका है सर्वाइवल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को लग तो रहा है मैं मरूँगा, ऐसे में नहीं, बल्कि जैसे उड़ के आऊँगा तो किसी भी चीज़ से टकराऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा मुझे डाउट जा रहा है। तो चलो छू। देखो गाइज, हम लोग सर्वाइवल में उड़ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई कॉमेडी कर रहा है यार अपने साथ, पर ये रियल ट्रिक है गाइज, आपको झूठ लग रहा होगा। और आपको अभी भी इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज। तो देखो मैं रियली उड़ पा रहा हूँ, देखो, रुक जाओ एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो गाइज देख सकते हो, और हमारा रेनबो भी कितना क्यूट दिख रहा है, देख सकते हो ये रेनबो कितना मस्त दिख रहा है।
तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही गाइज, अभी मरते मरते बच गया। तो गाइज थोड़ा लैंडिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ठीक से लैंडिंग गई है। अरे थोड़े से बच गया, वो पेड़ के जैसे बीच में आ गया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। देख सकते हो ये सब सर्वाइवल में। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलो बाय गाइज़।